morning, student. Today we are going to talking about chapter 1 of class 9, which is natural number system. So let's start. Chapter name is number system. Number system. Okay, what is number system? First of all, earlier class में लोग पढ़ चुके हैं number line के बारे में. पता है तुमको कि zero होता है, एक fixed distance लिया जाता है. Fixed distance मान लो एक distance लिया, इसको उठा के यहाँ पे इसको डाला तो एक unit बना. इसी fixed distance को आगे बढ़ाया, two unit बना. इसी को three हुआ, इसी को आगे करते करते बढ़ता जाएगा, होता जाएगा. और इसी same distance को back में लिया तो ये one हो गया. इसी को लेके फिर आगे गए तो टू हो गया, इसी को लेकर थ्री हो गया. ऐसे करते करते जाता रहेगा, ठीक है. तो ये ज़ीरो हो गया, ये वन, ये टू, ये थ्री हो गया. यहाँ पे वन इसको लिया, ये भी टू लिया, ये भी थ्री लिया. मान लिया इसको ओ, माना इसको रिप्रेजेंट किया ए से, बी से, सी से. इसको ए डैश से, बी डैश से, सी डैश से. मान लो किसी बच्चे ने पूछा कि वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर लिखेगा वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो कोई बच्चा बोलेगा वन रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, और कोई बोलेगा वन रिप्रेजेंट कर रहा है ए डैश को. तो यहाँ से गड़बड़ी ये होगा कि कोई बोलेगा वन रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, और कोई बोलेगा वन रिप्रेजेंट कर रहा है ए डैश को. इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक आया यूनिफिकेशन. इसमें है ये कि मान लो ये अगर ये एक नंबर लाइन है, इसे क्या कहते हैं नंबर लाइन या नंबर स्केल. नंबर स्केल मान लो एक नंबर स्केल में अगर यहाँ पे ज़ीरो आता है, ज़ीरो के राइट हैंड साइड में क्या होगा, जितना भी नंबर होगा ज़ीरो के राइट हैंड साइड में वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा. और जितना भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है. इसलिए यहाँ पे क्या किया गया, ये राइट साइड और लेफ्ट साइड है ज़ीरो के, ज़ीरो को माना जाता है न्यूट्रल डिस्टेंस पे. ज़ीरो को माना जाता है ये न्यूट्रल डिस्टेंस पे है. इसके राइट तरफ पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट तरफ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है. देखो तो यहाँ पे ये ज़ीरो के लेफ्ट साइड जितना भी नंबर होगा इसको हम माइनस से इंडिकेट करेंगे, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री. और जितना भी इधर पॉजिटिव है ये लेफ्ट राइट साइड में है उसको क्या करेंगे, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री. तो यहाँ पे हो गया इसका. अब कोई भी पूछेगा तो अभी ये नहीं बोलेगा, अगर पूछेगा वन किसको रिप्रेजेंट, अगर किसी को पूछता है वन किसको रिप्रेजेंट करेगा तो वो बोलेगा वन रिप्रेजेंट कर रहा है ए को रिप्रेजेंट कर रहा है. वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है. और किसी ने पूछा माइनस वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो बोलेगा ए डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. अब इस नंबर को जो नंबर स्केल पे है उसे कहते क्या है, ठीक है. अब जो भी नंबर किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पे है, जैसे यहाँ से ज़ीरो का वन का दूरी जितना है उतना ही दूरी वन से टू का है. मतलब ज़ीरो से ये ओ से ए की दूरी, ये डिस्टेंस जो ओ से ए की डिस्टेंस वो इक्वल किसके है, ए से बी, बी की दूरी, ए बी की दूरी और ए की दूरी इक्वल है. इसी तरह से इक्वल है ये बी सी की दूरी, और उसी तरीके से इधर भी है ए डैश बी डैश इक्वल है बी डैश सी डैश के, इक्वल है सी डैश हो गया जी. अगर ये आगे रहता फोर रहता, फाइव माइनस रहता तो आगे इक्वल होता रहता है. तो यहाँ पे हो जाएगा ओ डैश इक्वल टू ए डैश बी इक्वल टू बी डैश सी. ये सब क्या आपस में सब इक्वल है, ठीक है. अब इस नंबर को कहते क्या है, इस नंबर को कहते हैं जो नंबर किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पे रहे तो उसे कहते हम हैं रियल नंबर.
real number, real number कहते हैं इसे, ठीक है, जो किसी फिक्स डिस्टेंस पर है कि फिक्स डिस्टेंस की दूरी पर है उसे कहते हैं हमें रियल नंबर, ठीक है। अब ये तो देख लिया हम, यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस यहाँ पे ये है, इसका वन रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, टू रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, थ्री रिप्रेजेंट कर रहा है सी को, इसी तरीके से क्या होगा, इसके अंदर भी तो होगा नंबर। इसके अंदर क्या नंबर होगा, इसके अंदर होगा जैसे वन है, अगर यहाँ से ज़ीरो है, यहाँ पे तीन पॉइंट ले लिया मान लो, एक दो तीन, पी लिया क्यू लिया, जो पढ़ लेते हैं, पी लिया क्यू लिया आर लिया, इसके अंदर हो सकता है 1.2, रूट टू, 3.6, कुछ भी हो सकता है। तो पी जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1.2 को, क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है रूट टू को, और आर रिप्रेजेंट कर रहा है 3.6 को। ये भी क्या है, ये भी है हमारा रियल नंबर, ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा रियल नंबर है, लेकिन इसे हमने किस में बांटा, रियल नंबर में। अब जो रियल नंबर फिक्स डिस्टेंस के दूरी पे होता हो, जैसे ज़ीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, जैसे इस तरफ में आए तो हम -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, इसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। इसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, इसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। इस रेशनल नंबर के बीच में जो आया, जैसे 1.2, 1. रूट टू, 3.6, जितना पॉइंट में और रूट में जो नंबर आया उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, IRATION, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल इरेशनल को बाद में डिफाइन करेंगे, पहले हम देख लेते हैं नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं, ठीक है, ठीक है, देखते हैं किसे कहते हैं सब। सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर क्या कहते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड, इस कॉल्ड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। एग्जांपल में क्या ले रहे थे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। हमारा नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि होल नंबर शुरू होता है 0 से, और नेचुरल नंबर शुरू कैसे होता है, 1 से शुरू होता है, ठीक है। हो गया, अब इसको हम लिखते कैसे हैं, नेचुरल नंबर को हम लिखते हैं n से, इस कर्ली ब्रैकेट, इसमें इसका मतलब कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, जब भी कलेक्शन जब डालेंगे तो क्या होता है, उसमें कर्ली ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। अब है हमारा होल नंबर, होल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर, होल नंबर किसे कहते हैं, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ,
together with zero, zero के साथ, जितना भी natural number zero के साथ, together with zero, central line करने, together with zero, जितना भी natural number zero के साथ है, उसे हम क्या कहते हैं? Is called whole number. इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? इसका होल नंबर, ए नेचुरल नंबर का वर्ड शुरू होता है एन से, तो इसे एन से डिनोट किया, ये शुरू होता है डब्ल्यू से, इसको डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, डब्ल्यू से डेल टू करली ब्रैकेट ले लेंगे, इसका मतलब कलेक्शन होता है, ठीक है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, करली ब्रैकेट क्लोज, सो ऑन। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, होल नंबर प्रॉपर्टी में तो क्या क्या इसका है प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे नेचुरल होल नंबर का जैसे है कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, मतलब सबसे छोटा होल नंबर क्या है हमारा, सबसे छोटा होल नंबर ज़ीरो है, ठीक है, ये जाता कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक जाता है, ये इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब इसका सो कोई कहिए नहीं, इसका रोक नंबर का कहीं रोक थोड़ी है, जा रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जा रहा है, लगातार जा रहा है, रोक थोड़ी, इन्फिनिटी जाता कहीं तक जाता रहता है, ठीक है। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है और जाता कहाँ से है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। अब हमारा है इंटीजर, इंटीजर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर मिटा देते हैं, रुक। अब है हमारा इंटीजर, इंटीजर कैसे कहते, किसे कहते हैं इंटीजर, ठीक है, इसको कहेंगे हम, किसे कहते हैं इंटीजर, ऑल नेचुरल नंबर ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ ज़ीरो मैंने क्या हो गया, मतलब होल नंबर नेचुरल नंबर भी हो गया, होल नंबर भी हो गया, ये तो नेचुरल नंबर हो गया, ये होल नंबर टुगेदर विथ ज़ीरो मिलके क्या होता है, ज़ीरो क्या बताया, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ ज़ीरो इज कॉल्ड होल नंबर। तो ये इंटीजर क्या हुआ, नेचुरल नंबर टुगेदर विथ ज़ीरो, मतलब नेचुरल नंबर भी हो गया, होल नंबर भी हो गया, ठीक है। एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर, इसे हम डिनोट करते हैं जेड से डिनोट करते हैं, जिसका जर्मन में इसका मीनिंग होता है जेहलेन, ZAHLEN, जेहलेन, ठीक है, इसका क्या होता है मीनिंग, जेहलेन होता है जिसका मतलब होता है टू काउंट, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इसको तब ले लेंगे करली ब्रैकेट जेड लिख के, ठीक है, यहाँ पर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन, इधर से सो ऑन रहेगा, इधर से ले सकते हैं, और यहाँ पे देखो कैसे लिखा है, जेड माइनस वन नहीं रहेगा पहले, क्या माइनस फाइव रहेगा, क्यों क्या सो ऑन के शुरू होता है, शुरू होगा माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन फिर
जीरो क्या नेगेटिव नंबर क्या है माइनस और माइनस टू माइनस इस तरफ तो ना है इधर शुरू इधर जाता है तो क्या जब इधर से आएगा तो क्या माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन ये क्या हो गया हमारा ये हो गया हमारा इंटीजर ठीक है अब ये सब हो गया तो नोट कर लेना है ठीक है अब बात होगा रियल नंबर के टाइप में रेशनल और इरेशनल नंबर अब होगा किस पे बात होगा रियल नंबर के टाइप आर रियल नंबर रियल नंबर बताया दो टाइप होता है एक क्या होता है रेशनल नंबर सेकंड वन इज इरेशनल नंबर नंबर अब रेशनल नंबर कहते किसे हैं ठीक है रेशनल नंबर कहते किसे हैं ठीक है ऐसा नंबर अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो ठीक है एंड पी बाई क्यू फॉर्म में क्या हो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो ठीक है पी बाई क्यू फॉर्म में हो एंड वेयर वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो and p and q are integer 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 बताया कैसे कहते हैं all counting number including zero negative positive जितने नंबर क्या कहते हैं उसका integer कह रहे हैं ठीक है तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे a number which is in the form of p by q ऐसा नंबर जो p by q के फॉर्म में हो और जहाँ q not equal to zero and P and Q क्या हो इंटीजर हो ठीक है P and Q मैंने क्या हुआ P and Q मतलब P and Q फ्रैक्शन में जानते हो ऊपर वाले पार्ट क्या कहते हैं न्यूमेरेटर न्यूमेरेटर एंड नीचे वाले क्या कहते हैं डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ठीक है तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि डिनोमिनेटर जो है वो क्या होना चाहिए Not equal to zero मतलब q not equal to zero denominator जो है वो zero के equal नहीं होना चाहिए ठीक है तो रेशनल नंबर समय क्या कहते हैं ऐसा नंबर जो p by q के फॉर्म में हो और p by q इंटीजर हो एंड जहाँ q not equal to zero हो ठीक है ये हो गया हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल क्या होगा ऐसे देखो 1/2, 4/2, 3/6 3/7/6 कुछ भी ले लेंगे 8/9, 3/17 कुछ भी लगा अरे ये ज़ीरो है कि नहीं है एक सवाल है एनसीईआरटी में ज़ीरो रेशनल नंबर है या नहीं है इसका जवाब क्या होगा देखो ज़ीरो है ये पता है हमको किसी भी नंबर के नीचे क्या होता है वन छुपा होता है तो इसके नीचे भी वन छुपा रहेगा इसका मतलब क्या हुआ ये p by q के फॉर्म में आ गया ये क्या हुआ p by q के फॉर्म में आ गया और p by q दोनों इंटीजर भी है है ना इंटीजर भी है और p and q इंटीजर भी है और q q भी क्या है q भी वन है q क्या है वन है ये ज़ीरो नहीं है तो ये क्या होना चाहिए ज़ीरो पर वन क्या होना चाहिए क्या होगा ज़ीरो पर वन रेशनल नंबर सवाल है एनसीईआरटी की किताब में पहले ही क्वेश्चन है साइंस फर्स्ट का कि ज़ीरो रेशनल नंबर है या नहीं है तो जवाब है ये है ठीक है अब हो गया ये अब देखें इरेशनल नंबर पढ़ना नहीं ऐसे है लेकिन बता देना तब भी क्या है इरेशनल नंबर ठीक है
ये सब नोट करते जाना, जो लिखा है सब नोट करते जाना, ठीक है। देखो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जब रेशनल नंबर कह रहे हैं ऐसे नंबर को जो p by q के फॉर्म में हो और जहां q नॉट इक्वल टू जीरो हो और p एंड q क्या हो, इंटीजर हो, उसी तरह से इरेशनल क्या होगा हमारा, इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, किसे कहेंगे, तो अ नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, जो नंबर पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं हो, ठीक है, जो नंबर पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं हो, पी बाय क्यू फॉर्म में है नहीं है अगर, तो अगर इंटीजर रहे नहीं रहे उससे क्या मतलब है, पी इंटीजर रहे या क्यू नॉट इक्वल टू जीरो रहे इससे क्या मतलब, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए इससे क्या मतलब, अब क्या ये तो जो पी बाय क्यू के फॉर्म ही में नहीं है तो ये रेशनल नंबर होगा नहीं, ये रेशनल नंबर होगा, ठीक है, पी बाय क्यू फॉर्म में, पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं है, पी बाय फॉर्म जैसे क्या होगा, देखो रूट टू ये क्या है, इरेशनल नंबर है, यह पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं है ना, पाई, पाई क्या, यह भी इरेशनल नंबर है, पाई का वैल्यू हम लोग रखते हैं इसके 22/7 के इक्वल, ठीक है, जब पाई का वैल्यू निकाला जाता है तो पाई वैल्यू कितना आता है 3.144 और इसे 32 का कुछ नंबर आता है, ठीक है, हम सिर्फ इसके यहाँ तक लेते हैं थर्ड डेसिमल थर्ड तक लेते हैं इसका, तो पाई का वैल्यू जब डेसिमल थर्ड तक आता 3.144 सिर्फ लेते हैं, शुरुआत में इतना आता फिर बाद में और भी नंबर आता है, इसको नहीं लेते हैं क्योंकि एक पाई का एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, इसलिए क्या है पाई इरेशनल नंबर है, और इसका वैल्यू सिर्फ 3 decimal place तक लेते हैं, तो इसके जब इसको हम रेशनल फॉर्म में करते हैं, रेशनल फॉर्म में तो क्या होता है इसे 22/7 हो जाता है, ठीक है, तो करके देख लेना 22/7 ही आएगा, ठीक है, तो सब आ गया रेशनल, इरेशनल कैसे कहते हैं, जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं हो, ठीक है, उसे क्या करें इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है, यही सब पढ़ना था चैप्टर वन में, रेशनल नंबर तो पढ़ लिया, अब एक आता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने क्या हुआ इसको पता करना, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या हुआ, रेशनल नंबर पता ही है पी बाई क्यू फॉर्म होता है, रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर, इसमें क्या पी बाई क्यू इंटीजर है, पता है पी बाई क्यू इंटीजर है, इसमें क्या होना चाहिए पी बाई क्यू का 1 किला, वेयर पी एंड क्यू हैव नॉट एनी अदर फैक्टर, एनी फैक्टर अदर देन 1 के अलावा, अदर देन 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो, ठीक है, तो ऐसे रेशनल नंबरों क्या बोलते हैं हमें, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल, बचपन में क्लास में 4-5 क्लास में किया करते किसी भी नंबर को फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए, जैसे दिया रहता था 3/6 सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए, कैसे करते थे 3/6 थे डिवाइड बाई 6 करते थे, इसको कैसे करते डिवाइड बाई ये 3, ये भी डिवाइड बाई 3, क्या 1/3, ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गई थी भैया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाता है, इसके और मतलब ये और छोटा
नहीं हो पाएगा। इसका मतलब सिंपल फॉर्म में क्या हुआ, सबसे लास्ट स्टेज पे पहुंचा दिया, उससे छोटा कोई भी नंबर नहीं हो पाए। तो ये इसी तरह का रेशनल नंबर क्या, ये रेशनल नंबर हुआ, फ्रैक्शन फॉर्म में ये पी बाई क्यू फॉर्म में ये रेशनल नंबर हुआ, ये तो ये भी रेशनल नंबर में हुआ। पी सी यू क्या किया, इसको कर दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। अगर 4/7 है, ठीक है, इसके इक्वेलेंट में हमको चार रेशनल नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो 4/7 है, 4/7 into 2 into 2, ये हम इंटू करेंगे, जब जितना ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना ऊपर से डिवाइड करेंगे उतना नीचे भी डिवाइड करेंगे। न्यूमेटर में जितना डिवाइड किया, न्यूमेटर में उतना ही डिवाइड किया, न्यूमेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया। 4 into 3/7 into 3, यहाँ कॉमन देते रहते हैं, यहाँ भी पढ़ो 4 into 4/7 into 4, कितना हो गया मेरे 1, 2, 3, 3 निकाल, 4 निकाला है ना, 4/5/4 into 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहला मेरा 4/7 हो जाएगा, दूसरा मेरा हो जाएगा 4 to 8, 7 to 14, 8/14, तीसरा होगा 4 to 8, 12, 12/21, तीसरा 16/28, चौथा 20/7 होगा 35। तो क्या हो गया, हमारा 5 रेशनल नंबर निकला जो 4/7 के इक्वालेंट है। अगर हमको, अगर ये हम क्या कर सकते हैं, इसको भी 4/7 चेंज कर सकते हैं, इसको भी 4/7 चेंज कर सकते हैं, और इसको भी 4/7, सबको 4/7 में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अब है कि नंबर लाइन पे हम किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। एक नंबर लाइन बना लिया, नंबर लाइन सीधा होगा, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है, इतना स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे इससे करते रिलेट 0, 1, 2, मान ले 3 भी चले, -1, -2, -3, ठीक है। चलो मान लो क्वेश्चन आ गया 3 whole number 2/8 को रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। आसान है, पहले भी कर चुके हो तुम लोग, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं हम इसको, 3+2/8, ठीक है। तो देखो 3+2/8 बोल रहा है, मतलब क्या उसका हुआ, 3 तो होगा ही, ये 3 जो है ये 3 तो होगा ही, मतलब 1, 2, 3 तक तो होगा ही, +2/8 मतलब उसका 2/8 भाग आगे होना चाहिए। इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, बढ़िया आगे। अब देखो मतलब 3 और 4 के बीच में है ये, है ना, मतलब 3 और 4 के बीच में है ये, तो 3 तो ले लिया। अब क्या करेंगे, 3 का ये 3 के बीच में जो 3 4 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या करेंगे, 8 भाग में करेंगे, ठीक है, इसका 8 भाग करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8, ठीक है, 8 भाग हो गया। तो क्या नीचे क्या जितना भी डिनोमिनेटर दिया रहेगा उतना इसमें क्या करेंगे, उतना इसका डिवाइड करेंगे, उतने पार्ट में डिवाइड करेंगे 3 और 4 के बीच में, ठीक है। और न्यूमिनेटर जो दिया हुआ हमारा है, न्यूमिनेटर इसको गिनेंगे, 2 दिया हुआ है तो दूसरे नंबर पर रख देंगे, जैसे 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया बोला, कुछ मेरा इसको P मान लेंगे, क्या हो गया मेरा ये 3 whole number 2/8,
आसान जी मेरे ना कोई भारी काम भी नहीं है, ठीक है। थ्री होल नंबर 2/8 एक हो गया, एक और लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3/8 2/8 हो गया। अब लेते हैं हमें एग्जाम्पल लेते हैं अब 5 होल नंबर 6/7 ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 9 डालना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन डाल दिया स्ट्रेट लाइन। अब क्या लेंगे, यहाँ 0 इधर लेंगे, -1 -2 -3 इसी तरह से करेगा। जो लिखेंगे नंबर है मैं सबको रिप्रिंट लाइन, इसका सिंबल भी देंगे। इसका सिंबल क्या होगा, इसका a'b'c' इसी तरह इधर करेंगे। 0 है, 0 0 क्या होता है, 0 का ओ, 0 में क्या डालते हैं, ओ डालते हैं, ठीक है। अब देखो 1 2 3 5 5 7 5 होल नंबर 6 मतलब 5 से क्या होगा 5 + 7 6 मतलब 5 तो होगा ही, 5 के आगे रहेगा मतलब 5 और 6 के बीच में जो स्पेस रहेगा उसको डिवाइड करेंगे, तो हमको 5 6 तक लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 कोई बढ़ाना पड़ेगा, छोटा होगी लाइन 6 तक, ठीक है। ले ले 6 तक नंबर डाल देते हैं हम 1 2 3 4 5 and 6 इस ये सब के नाम देते हैं। ये हो गया ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई एंड एफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे क्या है हमारा 6 है, ठीक है। तो क्या करेंगे ना, है 6/7 नीचे क्या है 7 है। अब 5 and 6 को क्या 7 भाग में बांटेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 and 7 कैसे लेते हैं, मतलब 5 को जो है 5 को छोड़ दिया, उसके आगे लिया 1 2 3 4 5 6 and 7 ये हो गया 6 वाला 7 हो गया, ठीक है। अब कितने पार्ट पे रखें, डिनोमिनेटर तो हम डिनोमिनेटर से पार्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया, और जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उतने नंबर पे रख देंगे। ऐसे क्या 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ 6 पर रखेंगे 1 2 3 4 5 and 6 ये वाला हो गया हमारा। ये क्या हो गया मेरा 5 होल नंबर 7/6/7 6/7 ये क्या हो गया हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। आसान था सब, ठीक है, ये हो गया, ये आसान था ये, ठीक है। अब एक और है इसके आगे, दूसरा चीज़ है वो ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 22/7 कैसे होगा, इसको क्या करेंगे, इसको ये पता है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसको हम क्या करेंगे डिवाइड देंगे, पहले होल नंबर के फॉर्म में लाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। डिवाइड देंगे कैसे होगा, 7 3 21 कितना बचा 1/7 3 होल नंबर 1/7 हो गया। इसको रिप्लेस करना बहुत आसान काम है, कुछ नहीं डालना है, कि लाइन डालना है 0 ले लेंगे इधर 1 2 3 और 4 3 4 बीच में लेंगे, 3 क्या है 3 + 1/7 है मतलब 3 और 4 के बीच में हो गए, ले लिया इधर क्या -1 -2 -3 वो हो गया a'b'c'a'b'c'd। अब क्या होगा जल्दी से कर देना, 3 है 3 ले लिया +1/7 मतलब डिनोमिनेटर 7 है, 7 भाग किया इसको 1 2 3 4 5 6 and 7 ठीक है 7 हो गया। कितने भाग, फर्स्ट भाग में रखना है, तो मतलब ये यहाँ रहेगा, क्या हो गया 3 होल नंबर 1/7 हो गया। जब भी तुमको ये स्टेप में मिले, मतलब कि न्यूमरेटर ज़्यादा रहे डिनोमिनेटर छोटा रहे, तो ये क्या करेंगे, अगर वो टोटली डिवाइड नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे उसको होल नंबर में लाएंगे, होल नंबर लाने बाद कर देंगे। अगर कोई नंबर 2/7 है आसान से हो गए, 7 भाग किया उसे पे कर दिया, ठीक है 1/7 ठीक है। अब एक और है इसके आगे, अब है कि किसी भी नंबर के बीच में से उसका और भी पार्ट, नंबर का पार्ट, जैसे 3 और 4 के बीच में क्या क्या होना चाहिए, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 ऐसे करते 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 3.9 तो जाएगा 3.10 4 हो जाएगा। और इसी तरह अगर पूरी 3.1 और 3.2 के बीच में क्या क्या है,
तो पूछे तो क्या से होगा 3.1, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 ऐसे करते करते 3.19 हो जाएगा 3.11। ठीक है, ये हुआ किसी भी दो नंबर के बीच का नंबर, दो नंबर के बीच का नंबर। इसी तरह से हमको निकालना है, कोई बोले निकालना है हमको 7 नंबर निकालना है, 8 नंबर निकालना है, 1 नंबर निकालना है, तो कैसे निकालें? किसी फ्रैक्शन में रहेगा, कोई के इंटीजर में रहेगा, ठीक है, तो कैसे निकालें? मान लो तो 3 और 4 के बीच में 1 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है, 1 रेशनल नंबर निकालना है। जब वो 1 नंबर ये 1 रेशनल नंबर निकालना, अगर 1 निकालना हो, इसके लिए फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला नोट कर लेना है। 1 निकालने के लिए 1/2x+y, एक्स मान लेंगे हम किसी फर्स्ट नंबर को, वाई मान लेंगे सेकंड नंबर को, तो कैसे निकलेंगे यहाँ पे देख लो। मान लिया लेट x=3 and y=4। अब देखो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला डालेंगे 1/2x+y, तो 1/2 × 3+4 = कितना होगा, 3+4 कितना हुआ, 1 × 1/2 × 7 = 7/2। ये क्या हो गया, ये एक रेशनल नंबर निकला। किसके बीच का रेशनल नंबर निकला, बिटवीन 3 और 4 का रेशनल नंबर, बिटवीन 3 और 4, 3 और 4 के बीच का रेशनल नंबर निकला, ठीक है। ये तो एक का निकालने का हुआ, एक का निकालने का फॉर्मूला वैसे अच्छा, फाइंड 1 रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर निकालने का क्या फॉर्मूला है, 1/2x+y। यहाँ क्या होना चाहिए, y क्या होना चाहिए, y ग्रेटर देन x होना चाहिए, ठीक है। अब एक क्या x दो निकालना या दो से ज़्यादा निकालना, तो क्या करेंगे उसके लिए, मोर देन या टू आर मोर देन टू, टू और ये तो इसका हो गया, टू और मोर देन टू के लिए, मोर देन टू के लिए क्या होगा फॉर्मूला, टू और मोर देन टू के लिए इसके लिए निकालते हैं, पर तुमको डी निकालना पड़ता है, d=y-x / n+1, ये फॉर्मूला है, ठीक है, d=y-x n+1, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, इसमें से हम 3/4 में से निकालते हैं 1 रेशनल नंबर, अब 3/4 में से 5 रेशनल नंबर निकालते हैं, ठीक है। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4, 3 और 4 के बीच में से 5 रेशनल नंबर निकालना हुआ, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले मान लेंगे लेट x=3 and y=4, ये तो हो गया। अब निकालना कितना नंबर, 5 रेशनल नंबर, तो यहाँ पे n किसको डिनोट करेगा, नंबर, कितना नंबर निकालना है, तो 5, यहाँ पे ये n जो है ना, ये वाला क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कितना नंबर निकालना, 5 नंबर निकाल दो, यहाँ 5 लिखाएगा, ठीक है। जैसे फॉर्मूला यूज़ किया, d=y-x/n+1, ठीक है। देखो y क्या है, 4 - 3/n कितना, 5 + 1, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा देखो, 4 में 3 गया 1, 5 + 6 1/6, ये हमारा क्या आया, ये आया हमारा डी आ गया हमारा, डी कितना है 1/6 आया, डी कितना है 1/6 आया। अब डी का क्या करना है, जैसे यहाँ पे हुआ ना, ये से हमें क्या निकालता है, हमारा सिर्फ डी निकलता है इससे, ठीक है। अब डी को आया करने क्या करना पड़ता है, जैसे मैं 3 नंबर निकालना हुआ, 3 नंबर निकालना हुआ, तो यहाँ पर क्या करते हैं, x+d, x+2d, x+3d, क्या एक 1 रेशनल नंबर हो गया, 2nd रेशनल नंबर, 3rd रेशनल नंबर, जैसे 4 निकालना हो तो x+4d, 5 निकालना, x+5d, और इसी तरह से 10 नंबर निकालना, 11 नंबर निकालना हो, x+1d, x+d, x+2d, x+3d, x+4d, x+5, ऐसे करते करते x+11d, x+12d तक जाएंगे। जितना भी रेशनल नंबर निकालना हो उतना डी एक्स में जोड़ते रहना है, जितना भी रेशनल नंबर निकालना हो
तो इतना नंबर हम x में d, जितना बार दो बार दो निकालना है x में d जोड़ा, एक दो निकालना x में 2g जोड़ा, तीन निकालना x में 3g और 3d जोड़ा, इसी तरह d जोड़ते रहेंगे x में, आगे निकलता रहेगा। तो यहाँ मेरा d आ गया 1/6। अब हमको निकालना कितना था, 5 रेशनल नंबर निकालना था, तो क्या करेंगे यार, देखो यार d आ चुका हमारा, x प्लस डी होता है, 5 निकालना था, 5 तक कर लेंगे, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d एंड x प्लस 5d, ठीक है। देखो कर लिया, x प्लस डी क्या, x क्या है हमारा 3 है, 3 प्लस 1/6 पहला हुआ, 3 प्लस ये 2/6 होगा, 2 मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 1/6, 2/6 हो गया, 2/6, 3 प्लस 3/6, 3 प्लस 4/6 एंड 3 प्लस 5/6, ठीक है, हो गया। आता ही बटन जोड़ आता है, आराम है, फ्रैक्शन जोड़ कैसे हो, यहाँ पे 6 लिखा जाएगा, ठीक है, 1 6 6, 3 6 18, 18 प्लस 1 ये 6 ले लिया, फिर हम यहाँ पे 18 प्लस 2 यहाँ पे 6 ले लिया हम, कितना यहाँ पर जाएगा, 1 6 6 6, 6 कैसे लिया आता है, नीचे 1 इसके पास के, तो 1 6 डिवाइड किया 6 को, 1 6 वन सिक्स जाएगा, जितना जितना डिवाइड किया जितना आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 6 6, 6 18, 18 प्लस 3 ये जो 1 6 1 6, 1 3 3, यहाँ पे 6 लिया, 18 प्लस 4, 18 प्लस 5/6, देखो 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, कितना 1 2 3 4 5 हो गया ना। और जो रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है उसको हम सिंपल फॉर्म में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, यहाँ पर 19/6, 20/6 होगा, नहीं होगा, हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10/3 होगा ना, 2 10 20, 2 3 6, 10/20, 21/6, ये कितना होगा, 22/6 कितना होगा, 11/3 और 23/6, ये हो गया हमारा, कितना आ गया रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर आ गया बिटवीन 3 एंड 4 के बीच में, इसी तरह से हो गया, ये सब निकलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, सब सब कुछ हो चुका है, ठीक है।